मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट के उपचुनाव को प्रतिष्ठा का चुनाव बना दिया गया है। यहां छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा में बीजेपी के साथ कांग्रेस का दिग्गज कमलनाथ ने भी उपचुनाव को प्रतिष्ठा की लड़ाई बना लिया है। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी अब अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि यहां लड़ाई भाजपा के राजा बनाम कांग्रेस के संघ परिवार के बीच लड़ी जाएगी। अमरवाड़ा सीट के उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को वोटिंग की जाएगी। बता दें कि छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव होने की वजह से कमलेश शाह के लोकसभा चुनाव के दौरान विधायक पद से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन करना रहा है और अभी सीट पर उम्मीदवारों को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं वह पूरी हो चुकी है। बीजेपी उम्मीदवार कमलेश शाह धीरज शाह इनवादी मैदान में होंगे। बता दें कि पहले कांग्रेस उम्मीदवार धीरज शाह इनवादी जिला सरकारी समिति में सेल्समैन के पद पर कार्यरत थे। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता ने बताया कि कमलनाथ से फाइनल बातचीत के बाद उन्होंने मंगलवार को अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इनका इस्तीफा बड़ा मुश्किल से मंजूर हुआ। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान आंचल कुंडधाम बटका खापा हर्रई में धाम के संत सुखराम दास महाराज जी की मौजूदगी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 25 प्रमुख लोगों से मुलाकात की थी। अब भाजपा सरकार के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बने अमरवाड़ा उपचुनाव में आंचल कुंड धाम के सेवादार परिवार के धीरन शाह इनवाती को टिकट देकर कमलनाथ से बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। बताया जाता है कि कमलनाथ ने 43 साल पहले आंचल कुंड धाम बटका खापा से पदयात्रा निकालकर अपनी सियासी पारी की शुरुआत की थी। कमलनाथ ने जब छिंदवाड़ा से 1980 में पहला चुनाव लड़ा था उस समय आंचल कुंड के सेवादार रतनदास जी दादा थे। कमलनाथ उस समय दरबार में आए थे, तब यहां सड़क नहीं थी। इस वजह से कमलनाथ बटका खापा से 5 किमी पैदल आंचल कुंड पहुंचे थे। बता दें कि अमरवाड़ा आदिवासी बहुत सीट है। यहां पर आदिवासी मतदाताओं में हर्रई, राजघराना, गोंगपा और आंचल कुंड धाम तीनों से गहरा जुड़ाव है। ऐसे में यह चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। बता दें कि यहाँ नवम्बर 2023 के विधानसभा चुनाव के मुताबिक इस सीट पर कुल वोटर 2,34,330 है। इनमें पुरुष वोटर की संख्या 1,18,010 है और महिला वोटर की संख्या 1,16,315 है। के मुताबिक इस सीट पर कुल वोटर 2,34,330 है। इसमें कुछ वोटर की संख्या 1,18,010 है और महिला वोटर की संख्या 1,16,315 है।